हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मदन क्लासेस। अपन डिस्कस कर रहे थे क्लास 11 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज, जिसको हिंदी में कहते हैं अनुक्रम और श्रेणी। ठीक है, जिसकी एक्सरसाइज 9.3 चल रही थी, क्वेश्चन नंबर 18 तक अपन कर लिए थे। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या गिवन है। फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द कोरस्पोंडिंग टर्म ऑफ द सीक्वेंस। देखो सीक्वेंस गिवन आपको, ये फर्स्ट सीक्वेंस होगी 2, 4, 8, 16 और ये आपकी 32। फिर अगले ने ये बोल दिया आपको सम निकालना इनके प्रोडक्ट का। सेकंड जो सीक्वेंस है वो आपको ये दे दी 1, 28, 32, 8, 2 और ये 1/2। ठीक है, ये दे दिया। अब देखो अगले ने बोला इनका प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट मैं इसके साथ में करूंगा तो ये तो आएगा 2 × 128, इन दोनों का प्रोडक्ट करूंगा तो 4 × 32, इन दोनों का प्रोडक्ट 8 × 8, इन दोनों का प्रोडक्ट 16 × 2, इन दोनों का प्रोडक्ट 32 अपॉन में 2, ये तो होगा प्रोडक्ट। देखो 128 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 7। क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 7, क्योंकि 2 की पावर 4 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128। इसका मैं मल्टीप्लाई इसके साथ, देखो इसको मैं वो लिख सकता हूं तो ये मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 की पावर 8 कॉमा ये 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 और ये 2 की पावर 2, कितना होगा 2 की पावर 7। ये 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 कितना 2 की पावर 6। ये 2 की पावर 4 और 1 कितना 2 की पावर 5। इसको देखो ये कैंसिल आउट होगा तो 16 16, क्या लिख सकता हूं 2 की पावर 4। यानी इन दोनों सीक्वेंस को मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये मिली आपको, इतना हो गया। फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द क्रोस्पॉन्डिंग टर्म। अब क्या निकालना है, इनका सम निकालना है। तो इनका सम निकालूं तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म कितना होगी ए कितना 2 की पावर 8। बात करें कॉमन रेशियो की, कॉमन रेशियो आर यानी 2 की पावर 7 / 2 की पावर 8। यहां से भी ये निकालेंगे तो 2 की पावर 6 / 2 की पावर 7। यहां से और निकाल दो, एक टर्म और निकाल दो तो 2 की पावर 5 / 2 की पावर 6। देखो 2 की पावर 7 इससे कैंसिल आउट होगी तो 8 कैंसिल आउट, कितना मिला 1/2 और ये 1/2 और ये कितना 1/2। यदि किसी दो सीक्वेंस को आपने यहां पे मल्टीप्लाई किया तो ये जो गिवन सीक्वेंस है, जो प्रोडक्ट करने के बाद जो सीक्वेंस आई वो किसमें आ गई, जीपी में होगी। यानी ये किसमें आपकी, इन जीपी में। तो फर्स्ट टर्म आपकी ये, कॉमन डिफरेंस आपका ये है। आपको क्या निकालना है, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ क्रोस्पॉन्डिंग टर्म। एन कितना 1, 2, 3, 4, 5 है ना, एन कितना आपका 5, तो एन की वैल्यू कितनी होगी 5 हो गई। सम निकालना है तो एस एन का फॉर्मूला अपन जानते हैं कितना होता है, a × 1/2, 1 से कम है तो 1 − r/n / 1 − r, ये होता है फॉर्मूला। एस 5, a की वैल्यू कितनी 2 की पावर 8, 1 − ये कितना r कितना है 1/2, इसकी पावर 5 / 1 − ये लीजिए। अब इसको मैं लिख सकता हूं एस एन इक्वल टू, देखो 2 की पावर 8 × 1 − 1/2, 1/2 की पावर 5 है तो 1 का पावर 5 कितना 1, 2 की पावर 5 ने 2 की पावर 5 ये आ जाएगा, अपॉन में कितना 1 − 1/2, यानी 1 में से आधा गया आधा। अब ये 2 तो इसके साथ मिलेगा तो 2 की पावर 9 और एलसीएम ले लेंगे इनका तो 2 की पावर 5 और ये कितना आपका
टू की पावर फाइव माइनस वन, ये तो आएगा। देखो टू की पावर फाइव टू की पावर नाइन से कैंसिल आउट होगा, तो टू की पावर फोर इंटू टू की पावर फाइव की वैल्यू कितनी 32 माइनस वन, टू की पावर फोर कितना 16 इंटू इसकी वैल्यू कितनी 31, 16 को एक से 16 कैरी कितना 1, 16 को तीन से 48, 48 और एक 49, 496, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है 20। क्वेश्चन 20 में आपको गिवन है कि शो दैट द प्रोडक्ट ऑफ कोरस्पोंडिंग टर्म ऑफ सीक्वेंस, सीक्वेंस दे दिया आपको, ये सीक्वेंस आपकी फर्स्ट है ए कॉमा ए आर कॉमा ए आर स्क्वायर कॉमा ए आर क्यूब, इसकी लास्ट टर्म कौन सी ए इंटू आर माइनस वन, ये एक सीक्वेंस दे दी। एंड सेकेंड सीक्वेंस आपको दे दी कैपिटल ए कॉमा ए आर, ठीक है, कैपिटल आर कॉमा ए आर स्क्वायर कॉमा ए आर क्यूब कॉमा ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन, ये दो सीक्वेंस दे दी। और अगले ने बोला है कि आपको प्रूफ करना है कि इनकी क्रोस्पॉन्डिंग टर्म, इसकी क्रोस्पॉन्डिंग टर्म ये है, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई, ये है, ठीक है, फ्रॉम ए जीपी, और ये किसमें है जीपी में, ये तो प्रूफ करना है। फिर फाइंड द कॉमन रेशियो, तो देखो इन दोनों का मैं मल्टीप्लाई करूं तो जो आपकी सीक्वेंस मिलेगी वो यही मिलेगी ए इंटू कैपिटल ए, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूं ए इंटू कैपिटल ए इंटू कैपिटल आर स्क्वायर, और ये ए इंटू ए स्मॉल आर कैपिटल आर स्क्वायर कोमा, ठीक है, इतनी काफी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ए इंटू कैपिटल ए आर की पावर एन माइनस वन इंटू कैपिटल आर की पावर एन माइनस वन। अब ये किसमें होनी चाहिए, जीपी में है क्या, ये चेक करना है, प्रूफ करके रिप्रेजेंट करना है। जीपी लिए आपका क्या होना चाहिए, कॉमन रेशियो सेम आना चाहिए, कॉमन रेशियो यानी आर सेम होना चाहिए। देखो आर सेम आ रहा है, इसको इससे डिवाइड कीजिए, यानी ए इंटू कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन में ए ए, ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल आउट, कितनी वैल्यू आ गई आर स्क्वायर आ गया। इसको देखो ये गलत हो गया ना भाई, ये देखो यहां पे क्या मिला आपको ए इंटू कैपिटल ए आर इंटू कैपिटल आर, ये मिलेगा, तो ए कैपिटल ए आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर, इसको डिवाइड कर दीजिए, किससे डिवाइड करना है ए कैपिटल ए आर और कैपिटल आर से, इससे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। देखो यहां पे भी अपन मिस्टेक कर दी ना, क्योंकि टर्म तो ये है ना आपकी, ये आर और ये कैपिटल आर, तो यहां पे वैल्यू आएगी स्मॉल आर कैपिटल आर इक्वल टू, इससे ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट, इसकी एक पावर इससे कैंसिल आउट, इसकी एक पावर इससे कैंसिल आउट, रिमेनिंग वैल्यू कितनी ये आ जाएगी। इससे नेक्स्ट टर्म देखो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करूं तो ए इंटू ए आर क्यूब और आर क्यूब, इसको डिवाइड कर दो इससे इससे, तो देखो ये कैंसिल आउट, इसकी दो पावर इससे कैंसिल आउट, इसकी दो पावर इससे कैंसिल आउट, रिमेनिंग वैल्यू ये कॉमन रेशियो क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, तो मैं लिख सकता हूं ये जो आपकी है वो किस में आएगी, इन जीपी में आएगी, और जीपी में आएगी तो कॉमन रेशियो कितना आएगा स्मॉल आर इंटू कैपिटल, ये आपका कॉमन रेशियो इसका आ जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 20।
अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 21। 21 में आपको जो गिवन कंडीशन है वो देखिए। सबसे पहले क्या गिवन है कि फाइंड द फोर नंबर फॉर्मिंग ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। आपको क्या फाइंड करना है फोर नंबर ज्योमेट्रिक में, तो लेट करके उन्हीं को मान लो। लेट ए कोमा ए आर कोमा ए आर स्क्वायर कोमा ए आर क्यूब किसमें, इन जीपी में मान लिया। ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म और ये आपकी फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म आपको निकालने हैं और फिर आपको फाइंड आउट करना है कि इन विच द थर्ड टर्म इज द ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म बाय 9। यानी इसमें आपको ये दे दिया कि इसकी जो थर्ड टर्म है A3, थर्ड टर्म यानी A3, वो फर्स्ट टर्म कितना A1 की कितनी ज्यादा है, 9 ज्यादा है। एक कंडीशन तो ये दे दी आपको। दूसरी कंडीशन ये दे दी कि एंड द सेकंड टर्म इज ग्रेटर देन द 4/18। यानी क्या दे दी, सेकंड टर्म फोर्थ टर्म की कितनी ज्यादा है, 18 ज्यादा है। तो आपको ये जीपी निकालनी है। जीपी कैसे आएगी, जब ए की वैल्यू आ जाए और आर की वैल्यू आ जाए जीपी आ जाएगी। तो सबसे पहले इन दोनों वैल्यू से, दोनों इक्वेशन से मैं ए और आर की वैल्यू फाइंड आउट करता हूं। तो देखो A3 की वैल्यू कितनी है, यहां से A3, ये A1 है आपका, A2, A3 और ये A4, ये तो इसको क्या लिख सकता हूं, A इंटू आर स्क्वायर, इसको A और ये कितना आपका 9। इसी को लिख सकता हूं मैं, A इधर आएगा तो कितना आएगा, A आर स्क्वायर माइनस A इक्वल टू 9। और इसी को लिख सकता हूं, A को कॉमन निकाल के आर स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 9 ये आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपकी। इसको देखो A 2 को क्या लिख सकता हूं, ए आर, और इसको क्या लिख सकते हैं, A इंटू ए क्यूब प्लस 18। तो ए आर माइनस ए क्यूब इक्वल टू 18। कॉमन निकाल दीजिए, कॉमन निकालूं ए आर को तो रिमेनिंग वैल्यू कितनी, 1 माइनस ए बाहर, आर क्यूब से आर बाहर आ गया तो आर स्क्वायर इक्वल टू 18। ये इक्वेशन नंबर आपकी सेकंड। तो क्या करना, देखो सेकंड को मैं 1 से डिवाइड कर दूं, इसको इससे डिवाइड कर दूं तो ए आर इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 18। इसको मैं डिवाइड करूं इससे तो ये लीजिए इक्वल टू मैं यहां पे लगा देता हूं, अपॉन में कितना 9। ऊपर से या नीचे से निकाल लीजिए, ऊपर से माइनस निकाल लूंगे तो ए आर इस ए से तो ये कैंसिल आउट, माइनस को कॉमन निकालो तो ये माइनस बाहर, आर स्क्वायर यहां से माइनस कॉमन लो 1 से तो माइनस 1, अपॉन में कितना आर स्क्वायर माइनस 1, इससे आप कैंसिल आउट कर दो, वैल्यू कितनी 2 आ जाएगी। वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब देखो ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल आउट, माइनस आर की वैल्यू कितनी 2, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 2 कितनी आएगी, माइनस का 2, ये आर की वैल्यू आ गई। इस आर की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, तो पुट आर इक्वल टू माइनस 2 इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करूंगा तो ये ए की वैल्यू माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 9। तो ए इंटू माइनस 4 का होल स्क्वायर कितना, माइनस 2 का होल स्क्वायर कितना 4 माइनस 1 इक्वल टू 9। ये 4 माइनस 1 कितना 3, 3 से ये कैंसिल आउट होगा तो कितना 3। ए की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, ए की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। आपको तो ये जीपी निकालने थे। तो देखो फर्स्ट ए कितना आपका 3, फिर निकालना है ए आर यानी 3 इंटू माइनस का 2, फिर क्या निकालना है ए आर स्क्वायर यानी 3 इंटू माइनस आर का स्क्वायर,
फिर 3ar³ यानी 3 इंटू माइनस 2 का क्यूब, ये तो निकालना है। इसकी वैल्यू कितनी है 3, इसकी वैल्यू कितनी है 6, इसकी वैल्यू कितनी, माइनस 2 का स्क्वायर कितना 4, 4 इंटू 3 कितना 12, ये कितना आपका 8, 8 माइनस 28 इंटू 3, तो ये आ जाएगी आपकी सीक्वेंस यानी जीपी आ जाएगी 12 कॉमा माइनस का 4, ये आपकी जीपी आएगी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 21। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए, चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 22 पे, इसको आप नोट डाउन कर लेना। देखिए क्वेश्चन आपका 22, देखो क्वेश्चन 22 में आपको गिवन है, इफ द पीएथ टर्म एंड कॉमा क्यूएथ टर्म एंड आर्थ टर्म ऑफ जीपी आर ए बी सी, यानी आपको गिवन है एपी, पीएथ टर्म यानी एपी वो कितना है ए, एंड ए क्यू ये कितना आपका बी, एंड ए आर वो कितना आपका सी, इतनी वैल्यू गिवन है। और उसके बाद में आपको प्रूफ करना है कि प्रूफ दैट ए की पावर क्यू, क्या प्रूफ करना है, ए की पावर क्यू माइनस आर इंटू बी की पावर आर माइनस पी कॉमा इंटू सी की पावर पी माइनस क्यू इक्वल टू कितना 1, ये प्रूफ करके रिप्रेजेंट करना है, क्यू की पावर ए की पावर क्यू माइनस आर, बी की पावर आर माइनस पी और इसकी पावर, ठीक है ये प्रूफ करना है। सॉरी देखो क्वेश्चन की थीम को समझो, सबसे पहले आपको पीएथ टर्म कितनी दी हुई है ए दी हुई है, यदि मैं ए बी द फर्स्ट टर्म एंड कैपिटल ए माना, क्यों यहां पे स्मॉल दिया हुआ इसलिए, एंड कैपिटल आर बी द कॉमन रेशियो ऑफ जीपी, ये लीजिए अपन ए एन का फॉर्मूला जानते हैं कि ए एन इक्वल टू क्या होता है ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन, ये एंटर टर्म का फॉर्मूला है। अब आपको कुछ नहीं करना, देखिए इसकी वैल्यू निकालूं तो ए की वैल्यू कितनी है बी तो है, यानी एन की वैल्यू कितनी है, फर्स्ट टर्म मैंने क्या मान लिया कैपिटल ए और आर की वैल्यू कैपिटल आर, एन की वैल्यू एन, एन की वैल्यू कितनी है पी, एन की वैल्यू कितनी है पी माइनस वन और इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई ए आ गई, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। अब मैं ए क्यू निकालू तो कैपिटल ए इंटू आर क्यू माइनस वन इक्वल टू बी, ये इक्वेशन नंबर आपकी सेकेंड, ए आर निकाले तो ए इंटू कैपिटल आर की पावर आर माइनस वन इक्वल टू सी, ये इक्वेशन नंबर थर्ड, ये आपको गिवन था। अब देखो जो प्रूफ करना है उसी की लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, इसको ले लेता हूं, तो लेफ्ट हैंड साइड कितनी है ए इंटू क्यू माइनस आर इंटू बी की पावर आर माइनस पी इंटू सी की पावर पी माइनस क्यू इक्वल टू वन प्रूफ करना है। तो सबसे पहले ए की वैल्यू यहां से पुट करो, ए की वैल्यू कितनी है ए इंटू आर, आर की पावर पी माइनस वन और इस पूरे की पावर कितनी है क्यू माइनस आर, ठीक है। अब मैं बी की वैल्यू पुट करता हूं तो बी की वैल्यू यानी ए इंटू आर की पावर क्यू माइनस वन और इस पूरे की पावर कितनी है आर माइनस पी है। फिर मैं सी की वैल्यू पुट करता हूं तो सी की वैल्यू कितनी है ए इंटू कैपिटल आर आर माइनस वन इस पूरे की पावर कितनी पी माइनस क्यू, ये लीजिए। अब अपन जानते हैं कि ये पावर मल्टीप्लाई होगी इसके साथ, इस पूरे की पावर ही है तो ये पावर इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो कितना आएगा, देखो ए की पावर क्यू माइनस आर और ये पावर इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो आर की पावर पी माइनस वन इंटू
क्यू माइनस आर, यही तो होगा ठीक है। ये पावर इसके साथ मल्टीप्लाई फिर इनटू ये ए की पावर आर माइनस पी इनटू आर की पावर क्यू माइनस वन इनटू आर माइनस पी ये आ जाएगा, फिर इनटू ए की पावर पी माइनस क्यू इंटू आर की पावर आर माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू ये वैल्यू आ जाएगी। इसको आप सोल्व करोगे तो ए ए बेस सेम है तो पावर एड होगी, तो क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू ये आ जाएगा। यहां से आर बेस सेम है तो पी माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर प्लस क्यू माइनस वन इंटू आर माइनस पी प्लस आर माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू। इसको आप सोल्व करोगे तो ए की पावर जीरो आएगा, इसको आप सोल्व करोगे तो आर की पावर जीरो आएगा ठीक है ना। ये इससे कैंसिल आउट, पी इससे कैंसिल आउट, इसकी वैल्यू इससे कैंसिल, तो ए की पावर जीरो आ गई। इसको भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, जीरो आ जाएगी। ए की पावर जीरो हो यानी किसी की भी पावर जीरो तो उसका वैल्यू कितना वन, और इसकी वैल्यू भी वन, तो आंसर कितना आ गया वन। ये आपकी इस क्वेश्चन की राइट हैंड साइड आ जाएगी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 22। अब आप वीडियो को पॉज करिए, इसको नोट डाउन कीजिए, चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में, क्वेश्चन नंबर 23 में आपको गिवन है कि इफ द फर्स्ट टर्म एंड nth टर्म ऑफ जीपी आर ए एंड बी, यानी अगले ने बोला है कि किसी जीपी, कोई जीपी गिवन है आपको, तो लेफ्ट तरीके में जीपी को मान लेता हूं, ए कोमा ए आर कोमा ए आर स्क्वायर कोमा ए आर क्यूब ठीक है, ये आपकी जीपी है और इस जीपी की ये nth टर्म है जिसकी फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है आपको, ए दिया हुआ है। nth टर्म, nth टर्म को क्या रिप्रेजेंट करते हैं अपन, ए एन, वो कितना दिया हुआ आपको, बी दिया हुआ है। रेस्पेक्टली एंड p इज द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म, p क्या आपका इन सब का प्रोडक्ट है ठीक है। देखो इससे पहले वाली टर्म में फाइंड आउट करो तो ये तो होगी a इंटू आर की पावर n माइनस टू, ये इसकी पहले वाली टर्म होगी ठीक है। देखिए ध्यान से, आपको बोला है कि इनका प्रोडक्ट क्या है, p है, इनका प्रोडक्ट क्या है, p है, तो ये लीजिए p, a इंटू ए आर इंटू ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यूब इंटू कहां तक, a इंटू आर की पावर n माइनस टू इंटू ए इंटू आर की पावर n माइनस वन। एक देखो a कितना टाइम्स है, इन्फिनाइट हो जाएगा यानी n टाइम लिख सकता हूं, ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू कहां तक, ए एन टाइम्स है ठीक है। चलिए फिर देखो, मल्टीप्लाई में कौन, आर इंटू ये तो मन होगी ना, ये आर इंटू आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब इंटू यहां से आर की पावर एन माइनस टू इंटू आर की पावर एन माइनस वन, ये तो है, क्लियर हो गया होगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ए की पावर एन लिख सकता हूं, इसको क्या लिख सकता हूं, ए की पावर, क्योंकि ए कितना आपका एन टाइम्स है, तो ए की पावर एन इंटू उसको क्या लिख सकता हूं, बेस सेम है तो पावर एड, ये पावर एड कर दो, लास्ट वाली टर्म कौन सी आपकी n माइनस वन, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी इस n की पावर में। अब देखो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n तक कोई वैल्यू गिवन है, इनका सम फाइंड आउट करते हैं sn, तो फॉर्मूला क्या होगा, n इंटू एन प्लस वन इंटू बाई टू, ये फॉर्मूला मैथमेटिक इंडक्शन में आया था, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन।
लेकिन देखिए फाइन फिर भी आप फाइंड आउट कीजिए ये किस में आपका एपी में, एपी के लिए कॉमन डिफरेंस यानी फर्स्ट टर्म कितनी हो गई ए हो गई, कॉमन डिफरेंस कितना हो गया वन हो गया, टू माइनस वन कितना वन। एसएन निकालना है तो देखो एन की वैल्यू तो अपने पास में है नहीं है, एन बाई टू इंटू टू ए टू इंटू यानी फॉर्मूला लगा रहे हैं अपन एसएन का, अर्थमेटिक प्रोग्रेस में पढ़ के आए ना अपन, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी, ये देख लेना वन प्लस एन की वैल्यू एन माइनस वन डी की वैल्यू ये है, तो ये कितना आपका टू बाई टू और इसके साथ मल्टीप्लाई तो ये टू आ गया, ठीक है। या फिर एक बार सोल्व कर दो, देखो एन बाई टू टू प्लस एन माइनस वन ये आ गया, तो इसी को लिख सकता हूं मैं एन बाई टू इंटू, देखो ये माइनस वन इससे माइनस होगा तो कितना एन प्लस वन, इसी को लिख सकता हूं मैं n इंटू एन प्लस वन अपॉन में टू, ये तो लिख सकता हूं। लेकिन यहां पे आपकी टर्म कितनी है n माइनस वन, यानी n की वैल्यू आपको क्या पुट करना है n माइनस वन पुट करना है, तो a की पावर n इंटू इसको क्या लिख सकता हूं r की पावर, देखो n की वैल्यू वहां पे आप पुट करोगे तो कितना आएगा n माइनस वन इंटू एन माइनस वन प्लस वन अपॉन में कितना टू, इससे ये कैंसिल आउट, कितना आएगा ए की पावर एन इंटू आर की पावर एन इंटू एन माइनस वन अपॉन में टू, ये किसकी वैल्यू आ गई पी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। इसको मैं रफ कर देता हूं, आप साइड में नोट डाउन कर लेना, ये पी की वैल्यू आ गई। अब मुझे निकालनी है पी स्क्वायर की वैल्यू, तो पी स्क्वायर यानी दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, तो ए एन इंटू आर की पावर एन इन ये पावर में ना एन इंटू एन माइनस वन अपॉन में टू और इस पूरे का होल स्क्वायर, जानते हैं पावर दी हुई है तो पहले इसके साथ मल्टीप्लाई, तो पी स्क्वायर इक्वल टू इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो कितना टू एन और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना आर की पावर, ये पावर और ये टू कैंसिल आउट, तो आर की पावर एन इंटू एन माइनस वन ये आपकी वैल्यू यहां से आ जाएगी। ये कौन सी इक्वेशन हो गई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। अब इतने अपन इसकी राइट हैंड साइड निकालते हैं, कितनी है a इंटू बी, a इंटू बी की पावर n, ये तो है a की वैल्यू, a की वैल्यू आपकी a है और b की वैल्यू कितनी है ये n, तो देखो b की वैल्यू यहां से मैं क्या लिख सकता हूं b इक्वल टू इसकी वैल्यू a इंटू आर की पावर ये तो होगा, तो देखो a की वैल्यू a है और b की वैल्यू a इंटू आर की पावर n माइनस वन और इस पूरे की पावर है ये n, a इंटू a कितना a स्क्वायर, कितना a स्क्वायर इंटू आर की पावर n इंटू एन नहीं है ना अभी तक नहीं लगा है ना एन माइनस वन इस पूरे की पावर एन, ये एन इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो टू की पावर एन इंटू आर की पावर एन इंटू एन माइनस वन, ये इक्वेशन नंबर आपकी सेकेंड। तो ये किसकी वैल्यू हो गई ए बी की पावर एन की इक्वेशन होगी, क्या लिख दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से पी स्क्वायर किसके इक्वल है ए बी की पावर एन के इक्वल है, ये आपको प्रूव करके रिप्रेजेंट करना था, ठीक है। अब इसको आप नोट डाउन कीजिए, चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में आपको क्या गिवन है वो देखिए सबसे पहले, सो दैट द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट एंड ड्रम, क्या बोला हुआ है फर्स्ट एंड ड्रम बोला हुआ है, तो फर्स्ट एंड ड्रम कौन सी होगी ए कॉमा ए आर कॉमा ए आर स्क्वायर कहां तक ए इंटू आर की पावर एन माइनस टू ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन, ये होगी फर्स्ट एंड ड्रम।
फिर बोला वे टू द सम ऑफ टर्म फ्रॉम एन प्लस वन, इससे नेक्स्ट वाली टर्म कौन सी होगी ए इंटू आर की पावर एन, इससे नेक्स्ट वाली कौन सी होगी इनको मैं इसी लाइन में लिखता हूं, देखो ए कॉमा ए आर कॉमा ए आर स्क्वायर कॉमा ए इंटू आर की पावर एन माइनस टू कॉमा ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन। अब इससे नेक्स्ट वाली टर्म ये होगी तो a इंटू आर की पावर वन, ठीक है ना। आगे देखो इससे नेक्स्ट वाली कौन सी होगी a इंटू आर की पावर n प्लस वन, ठीक है कहां तक 2n तक, तो ये 2n तो निकाल दो तो देखो कितना आएगा कॉमा a इंटू आर की पावर 2n माइनस टू कॉमा a इंटू आर की पावर 2n माइनस वन। देखो इसकी लास्ट टर्म ये है तो 2n वाली की लास्ट टर्म यही तो होगी, ये आ जाएगी। अब ये तो nth टर्म होगी आपकी और ये आपकी 2nth वाली टर्म होगी, यानी n प्लस वन से लेके कहां तक 2n प्लस यानी 2n तक होगी। इन दोनों का सम का रेशियो निकालना आपकी, तो ये आपकी क्या है gp है, gp की फर्स्ट टर्म ए, ए कितना हो गया या कैपिटल ए ले लेता हूं मैं, कैपिटल ए कितना हो गया इसका स्मॉल ए, कॉमन रेशियो कैपिटल आर निकाले तो वो कितना हो गया स्मॉल आर हो गया, ठीक है ना। निकाल देना आप, देखो ए आर अपॉन में ए इक्वल टू स्मॉल आर। अब इसका सम का फॉर्मूला अपन जानते हैं कि एस एन इक्वल टू ए इंटू या कैपिटल ए के फॉर्म में ले लो, वैसे फॉर्मूला वही आएगा, ठीक है ना, कैपिटल ए इंटू कैपिटल आर की पावर एन माइनस वन अपॉन में कैपिटल आर माइनस वन, ये फॉर्मूला है। तो एस एन की वैल्यू कितनी है ए, ए की वैल्यू कितनी है ए, आर की पावर एन माइनस वन अपॉन में आर माइनस वन, इक्वेशन नंबर आपकी फर्स्ट आ जाएगी। इसकी बात करूं तो इसमें फर्स्ट टर्म कितनी ए इंटू आर की पावर एन, कॉमन डिफरेंस कितना देखो इसको मैं इससे डिवाइड करूं तो कॉमन डिफरेंस कैपिटल आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्मॉल आर, निकाल भी देता हूं मेरे को ए इंटू आर की पावर एन प्लस वन अपॉन में ए इंटू आर की पावर वन, ठीक है। ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल आउट, इसको क्या लिख सकता हूं मैं आर की पावर एन इंटू आर की पावर वन अपॉन में आर की पावर वन, ये इससे कैंसिल आउट तो कैपिटल आर की वैल्यू कितनी हो गई स्मॉल आर हो जाएगी। इस एस एन वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट करूं तो एस ये आपकी एन वन है और ये एन वाली और ये किसका सम है टू एन के लिए। ए की वैल्यू कितनी है ए इंटू आर की पावर फिर आर, आर कितना है आर और ये एन माइनस वन अपॉन में आर माइनस वन, ये तो है क्योंकि आर की वैल्यू आर है और ये आपकी ये वैल्यू हो जाएगी, ठीक है ये आपकी वैल्यू इसकी फाइंड आउट हो जाएगी। अब आगे देखो, देखो ये आपकी nth टर्म है और ये आपकी 2n टर्म है, लेकिन ये है कहां तक n तक ही है तो मैंने इसकी पावर क्या ले ली n ले ली। अब आगे आपको गिवन है कि टर्म इज 1 अपॉन r की पावर है, यानी अगले ने बोला है कि इन दोनों का रेशियो, इन दोनों का रेशियो एस एन अपॉन में s 2n, इन दोनों का रेशियो कितना आना चाहिए 1 अपॉन r की पावर ये आना चाहिए। तो इसकी वैल्यू a इंटू आर की पावर एन माइनस वन अपॉन में आर माइनस वन और इसकी वैल्यू ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन अपॉन में आर माइनस वन, ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल आउट, ये ए इससे कैंसिल आउट, ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल आउट, रिमेनिंग वैल्यू ऊपर तो कितनी वन और नीचे कितनी आर की पावर एन, ये आपको प्रूफ करके रिप्रेजेंट करना था, हेंस प्रूफ ये लीजिए।
ये था आपका क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।